अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का मज़ेदार कतली वाला हलवा। इसे शबे बारात में ज़्यादातर घरों में बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसे साल में जब मन हो तब बना सकते हैं, आप जब चाहें तब बना लें। ये ऐसा हलवा है, इसे 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होना है। तो हमने यहाँ पर इलायची का पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, इन सब को काट लिया है, और नारियल का बुरादा जो हमने क्रश कर लिया है, और चीनी और दूध। चीनी हमने यहाँ पे 100 ग्राम ली है और दूध 1 ग्लास, और 250 ग्राम चने की दाल ले ली है। इसे हमने 2 घंटे भिगो कर रखा है। इस वाली कटोरी से हमने पूरी 1 कटोरी दाल को भिगोई थी। ये देखिए, इसको ज़्यादा भिगोना नहीं है, बस थोड़ी से भीग जाए। इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, और इसको अब हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इस 1 ग्लास दूध से इसे हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। इससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। और कुकर की लिड लगाकर इसे हम गैस पर 70 से 80% तक पका लेंगे। इसे पूरी तरह से कुक नहीं करना है, एक दो विसल्स आने के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, दूध हमारा बिल्कुल से ड्राई हो गया है। ये देखो, कुछ इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए इसका, और इसे हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अगर इसे पूरी तरह से कुक कर लेंगे तो ये एक आपस में चिपक जाएगी ये दाल। अगर इसे हम 70 से 80% तक कुक करेंगे तो ये दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार होगा, जो आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो कैसा बनकर तैयार हुआ है, जो हमारा मिक्सचर है वो कैसा बनकर रेडी हुआ है। तो ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दरदरा। तो इसे हम बनाने के लिए चलते हैं अब। तो हमने यहाँ पर घी लिया है। हलवा हमेशा घी में बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने इस पूरे प्रोसेस में, पूरे हलवे में 150 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है, और हमने यहाँ पर थोड़ा घी डाला है। अभी और आगे घी लगेगा, तो हम इस दाल को भून लेंगे अच्छे से कम इसे 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें फिर से घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने के बाद इसमें हम जो अपने ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, कुछ 2 से 3 मिनट तक। और इसमें हम जो हमने चीनी ली थी वो ऐड कर देंगे। आप बराबर भी ले सकते हैं, जितनी हमने दाल ली थी उसके बराबर भी ले सकते हैं। जो आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप उतनी ले सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया है।
और इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे। आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा कर दिया था पानी, बिल्कुल पूरा ग्लास नहीं डालना है ताकि चाशनी जल्दी से गाढ़ी हो जाए, और जब चाशनी में उबाल आ जाए तो हम जो इलायची का पाउडर रखा था वो डाल देंगे। इससे हलवे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और अब हम जो हलवे का मिक्सचर है उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसमें अब हम कटी हुई नारियल डाल देंगे। और इसमें हम कलर फूड कलर डालेंगे। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस के साथ डाल सकते हैं, आप चाहें तो पानी के साथ भी मिलाकर एक चम्मच पानी में डाल सकते हैं। हमको केवड़ा एसेंस की खुशबू नहीं पसंद है, इसीलिए हम केवड़ा एसेंस को अवॉइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक टीस्पून पानी लिया, उसमें कलर को मिला लिया और इसमें हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको इसमें चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं, हम चाशनी में भूल गए थे इसीलिए हमने यहाँ पर अपना फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर के भी आप बना सकते हैं। और इसमें हम घी डाल देंगे। ताकि हमारा हलवा बहुत ही अच्छा बने और खुशबूदार बने। और इसे जल्दी जल्दी से इसे चलाते जाएंगे और जब तक ये कढ़ाई को ना छोड़ दे हलवा हमारा, तब तक इसे चलाते रहेंगे। जब ये कढ़ाई को छोड़ दे तब इसे हम गैस को बंद कर देंगे। और एक थाली लेंगे, उसको ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेंगे और जो हमारा हलवे का मिक्सचर है उसको हम इसमें सेट करेंगे। पूरा ही मिक्सचर इसमें डाल लेंगे, फिर आपको सेट करके दिखाते हैं। अब हम करछी की मदद से इसे हम जल्दी जल्दी सेट कर लेंगे अच्छे से। ये गरम है इसीलिए हम करछी की मदद से सेट कर रहे हैं, आप चाहें तो हाथों से भी सेट कर सकते हैं। इसे हम चिकना कर लेंगे। अब करछी पे थोड़ा सा घी लगाकर इसे हम चिकना कर देंगे अच्छे से। और इस पे हम अब जो ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे वो डाल देंगे। हमने सारे ही ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है और इसको अच्छे से फैलाकर इसमें सेट करेंगे, क्योंकि ये गरम गरम है। इसे इन ड्राई फ्रूट्स को इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके करछी की मदद से दबा देंगे ताकि ये बाद में कतलियों से गिरे ना। ये देखें, हमारे ड्राई फ्रूट्स भी उसी में सेट हो गए हैं। अब इसकी हम कतली को कट कर लेंगे। आप जो सेप देना चाहें वो दे सकते हैं, मैं इन्हें कतलियों का सेप दे रही हूँ।
आप इसे थोड़ी देर रखा रहने देंगे, उसके बाद हम इसे निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप गरम गरम में निकालने लगेंगे तो ये हमारी कतलियाँ टूटने लगती हैं। तो हम इसे अब सर्व कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा हलवा कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं। आप सबको मेरी हलवे की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को मिल सके। मिलती हूँ ऐसी ही नई।